इस वक्त हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी के एक और स्टॉल पे मौजूद हैं, और ये जो स्टॉल है ये भी सिंध से ही बिलोंग करता है, सिंध से ही ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस स्टॉल की ओनर भी हैं और यही सारा कुछ मैनेज करती हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे, इसको इन्होंने कैसे शौक़ पैदा हुआ और कब से बना रही हैं, और यानी आप भी इसको देखेंगे तो आप यकीन मानेंगे, इस काम को देख के हैरान रह गए। जब मैंने भी पहली दफ़ा देखा, इतना खूबसूरत काम, इतना ज़बरदस्त काम कि एक दफ़ा ना सिर्फ नज़रों को खीरा कर देता है बल्कि इंसान को हैरान कर देता है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये काम कर रही हैं और इतना खूबसूरत काम, माशाल्लाह। जी मुझे इस काम को करते हुए तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। मैं आपको बताती चलूं कि मेरा नाम सुमल सोलंकी है और मैं एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हूँ। आपने मास्टर्स भी किया हुआ है गालबन? जी हाँ, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है आर्ट में, उसके साथ साथ मैं ये पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। हमारे यहाँ मेरा ताल्लुक बेसिकली एक सिंधी फैमिली से है, तो हमारे यहाँ बच्चियों को ये काम काज सिखाना और सुई धागे का काम बचपन से ही सिखाते हैं। लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे थोड़ा सा और अपने काम को मॉडर्नाइज करना पड़ा, और अब मैं सुई धागे से किसी भी शख्स की तस्वीर बना सकती हूँ। आपने मोस्टली देखा होगा कि पेंटिंग्स बनती हैं, पेंसिल स्केचिंग होता है, वाटर कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं, लेकिन मैं अब सुई धागे के साथ किसी भी, मतलब किसी को भी पेंट कर सकती हूँ, कोई भी पेंटिंग बना सकती हूँ। यूँ समझ लें कि मेरी जो सुई है वो मेरा ब्रश है और मेरे जो धागे हैं वो मेरे सारे पेंट्स हैं। उसके साथ साथ मैंने डिफरेंट मारूफ शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश दिया है, जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और कायद अजम मोहम्मद अली जना है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ मोहनजोदड़ो हैं, जिसमें बुल है, डांसिंग गर्ल, स्टोपा ऑफ मोहनजोदड़ो, किंग प्रिस्ट को मैंने ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है। अभी कुछ काम मेरा अंडर प्रोसेस है, मैंने शोदा की पिक्चर्स बनाई हुई हैं, ये मेरा काम कुछ अंडर प्रोसेस है जिसको मैं अभी परफॉर्म कर रही हूँ, ताकि लोग आए देखें मेरा काम। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। मैंने आर्ट के डिफरेंट मीडियम्स को ट्राई किया है, चाहे वो वाटर कलर हो, पेंसिल आर्ट हो या फिर स्मोक आर्ट हो, लेकिन मेरा जो पसंदीदा मीडियम हमेशा रहा है वो सुई और धागा रहा है। मैं आपको एक और पेंटिंग भी दिखाती चलूँ जिसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये मेरा स्मोक आर्ट पेंटिंग है जिसमें मैंने कपल्स दिखाए थे और एक स्टोरी, मतलब एक्सप्लेन की थी। ये हर्ट बनी हुई है, ये पूरे दो कपल्स हैं, और इसको मैंने टाइटल दिया था विश आफ्टर डेथ, यानी कि, और नीचे एक मारूफ शायर है हमारे शेख अयास, उनकी पोट्री लिखी थी कि भी खबर ना है पर मरण का पोतो सा अगर जड़ जो असरतूँ रहूँ, यानी कि मेहंदी हसन की एक शायरी है, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें जाऊँगा। अमूमन लड़के और लड़कियाँ, बच्चियाँ जब को एजुकेशन में पढ़ते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बाज़ोकात वो नहीं मिल पाते, तो हम हमेशा दुहे को सिंबलाइज करते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब जब भी आप दुहा देखते हैं तो आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश। तो मैंने डिफरेंट मीडियम्स में काम किया है, लेकिन हमेशा मेरा जो फेवरेट मीडियम रहा वो सुई और धागा। विश आफ्टर डेथ, नाजरीन सुंबल ने इसको इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है, और उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं एक्सप्लेन किया बल्कि उस अपनी जो पेंटिंग बनाई है उसको भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सुंबल अब जिद्दत लेकर आई हैं, आपने बताया कि आपने सुई धागे की जिद्दत इसमें की, जैसे लोग अमूमन पेंटिंग, वाटर पेंटिंग करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया, इसको शुरू किया, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? जी अमूमन लोग ये समझते थे कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो चादर पे होती है या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं उन पे होती है या बेड शीट्स वगैरह पे होती है, लेकिन जब मैंने सुई धागे से किसी शख्स की पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट की तो ये उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जब भी वो देखते हैं तो वो कहते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी पेंट किया हुआ हो, लेकिन आपने इसमें सुई से ऐसे कलर्स भरे, तो ये काफ़ी उनके लिए, मतलब, इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। अच्छा, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश किया, बहुत सारी शख्सियात का आपने नाम लिया जो मुख्तलिफ शोबों से, जो सियासत से भी हैं, जो शायरी से भी हैं मुख्तलिफ, तो आप किस शख्सियत से खुद मुतासर हैं सबसे ज़्यादा? मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बहुत मुतासर हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही लड़कियों को ये मौका मिला कि वो आगे आएँ। वो हमारी डॉटर ऑफ ईस्ट जानी जाती हैं और सिंध की वो पहली ख्वातीन हैं जिनकी बदौलत शायद आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। सुंदस को जो है, सुंदस से रब्ता करने के लिए, सुंदस के काम को देखने के लिए, क्योंकि ये स्टॉल आपको पता है कि 7 तारीख तक मौजूद हैं, यकम से 7 तारीख को ये स्टॉल्स ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, फिर अगले साल दोबारा स्टॉल। लेकिन जो लोग भी सुंदस से रब्ता करना चाहते हैं, उनके काम को जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं सुंदस से कहूँगा कि वो अपनी वेबसाइट का भी बताएँ, अपने अगर उनका ट्विटर अकाउंट है उसका भी बताएँ, फेसबुक पेज है उसका भी बताएँ,
सुंदर, सोशल मीडिया पर आप कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जी, मेरा फेसबुक पे पेज है सुमल सोलंकी टेक्सटाइल आर्टिस्ट के नाम से, SOOMAL SOLANGI के नाम से। सुमल सोलंकी को आप सर्च करेंगे फेसबुक पे, मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा ऑफिशियल नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई पिक्चर कस्टमाइज़ करवानी हो, किसी को कुछ गिफ्ट पेश करना हो, या किसी का नाम वगैरह लिखवाना हो सुई धागे से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके साथ यूट्यूब पर भी मौजूद हूँ टेक्सटाइल आर्टिस्ट सुमल सोलंकी के नाम से। अलॉन्ग विद डेट मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों की बहुत मशहूर हूँ, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू किया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सुंदर जैसे लोग जो कि अपने शोबों में जिद्दत लेकर आए, उन्होंने एक नई राह दिखाई, एक नई रोशनी के साथ मौजूद हैं। उनकी आपने बातें सुनी, आपने उनका विज़न सुना, आपने उनके ख्यालात सुने, जो सारे के सारे मुतासिर कुन हैं। अल्लाह पाक इनके हाथों को भी सलामत रखें और इनको इस तरह का मज़ीद काम करने के अल्लाह ताला तौफीक दे। ये पाकिस्तान का, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। इनको देख कर पता लगता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। नज़र, बलोचिस्तान बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम इस वक्त ऐसी स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ पे हम बलोचिस्तान के बारे में बात कर सकेंगे, बलोचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात कर सकेंगे, बलोचिस्तान को जान सकेंगे। कैसे हैं आप? अलग सन है आप खेरे से? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं बलोचिस्तान? जी, मेरा ताल्लुक क्वेटा शहर से, जो कि बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो यहाँ आने का आपका मकसद क्या? इसकी सकाफत को रिप्रेजेंट करना या पूरे सूबे के मुतलिक आगाही फ्राहम करना? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम, दरअसल हमारा ताल्लुक कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट से बलोचिस्तान के, तो सकावत को भी हम फ़रोग दे रहे हैं, जैसे आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। और साथ में ये जो ख़ास कर ये स्टॉल है, ये टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए सेटअप किया गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रोशर्स है, मैप्स वगैरह रखे हुए हैं, जिससे लोगों को हम आगाही दे रहे हैं कि बलोचिस्तान में कौन कौन सी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, मतलब घूमने के हवाले से, टूरिज़म के इलाके हवाले से। तो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि बलोचिस्तान टूरिज़म के लिए एक बहुत अच्छी जगह नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा मैं तो कहूँगा, ये गलत एक तासुर गया है, क्योंकि बलोचिस्तान एक तो पाकिस्तान का रकबे में आधा हिस्सा है, और यहाँ जब हम घूमने की बात करें, विजिट्स की बात करें, तो बलोचिस्तान में बहुत प्यारी जगह है, सिक्योरिटी के वाले से भी बलोचिस्तान पुरअमन है, और बलोचिस्तान की एक अपनी खूबसूरती है। जैसे पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन अगर बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमें साहली इलाके भी मिलते हैं, हमें जंगलात भी नज़र आते हैं। ग्वादर बड़ा मशहूर है, पूरी साहली पट्टी है। बिल्कुल, ग्वादर की फिर अपनी एक खासियत है, पूरी दुनिया में मशहूर है। मशहूर इसलिए भी कि इसका अपना पोर्ट है, इसका जो डीप सी है, हार्बर वगैरह के लिए काफ़ी वो है, और टूरिज़्म के वाले से वहाँ पे माहिगीर हमारे भाई बहुत है, तो देखने के लिए, घूमने के लिए वाले से बहुत एक ज़बरदस्त जगह है। तो बलूचिस्तान में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि उनका लाजमी विज़िट करें, अगर उनका विज़िट नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं लाइफ का? देखिए, बलूचिस्तान का अगर विज़िट की हम बात करें, सबसे पहले तो क्वेटा खुद में, क्वेटा शहर खुद में एक बहुत प्यारी जगह है। क्वेटा कोई आता है तो क्वेटा के पास ही, मतलब 2 घंटे के मसाफात पर हमें ज़्यारत का ज़िला मिलता है, जहाँ पे तारीख़ी हज़ारों साल पुराने दरख्त मिलते हैं, स्नोबर ट्रीज जिसे कहते हैं। तो ज़ियारत एक प्यारी जगह है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, गर्मियों में भी मौसम। कायदे आज़म भी गालबन वहीं रुके थे ज़ियारत। कायदे आज़म के आखिरी दिनों में, हमारे जो कायद थे आखिरी दिनों में, वही हमने ज़िंदगी गुजारी, तो वहाँ पर कायदे आज़म रेजिडेंसी भी है, रेजिडेंस के नाम से कहला जाता है। और ज़ियारत के अलावा बलोचिस्तान के, फिर आप बलोच बेल्ट में जाए तो वहाँ पर ग्वादर है, मकरान बेल्ट है जहाँ पे साहली इलाका आता है, वहाँ पे नेशनल इंगोल पार्क भी है, जो कि पाकिस्तान के पार्कों में एक नेशनल स्टेटस उसको, तो वहाँ पे आपको जंगली जानवर भी नज़र आएंगे, बाकी जंगली वाइल्ड लाइफ वगैरह भी आपको मिलेंगे, तो वो एक खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, अगर लोग बलूचिस्तान विज़िट करना चाहें, सियाहत करना चाहें, बैरून मुल्क से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद, इस्लामाबाद से कोई जाना चाहे या किसी भी और एरिया से जाना चाहे, तो उसको क्या करना चाहिए? यानी कि उसके सबसे आसान रूट्स क्या हैं और कौन से आसान ज़राए हैं जिनसे वो जाके आसानी के साथ और महफूज सफ़र कर सकता है? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, फिर इस्लामाबाद की, तो यहाँ से जो बेस्ट रूट है वो मियाँवाली से होते हुए केपी का जो हिस्सा है, डेरा इस्माइल खान से होते हुए आप
بلوچستان میں جوب کے راستے داخل ہو سکتے ہیں. تو اور جوب جو ہمارا ضلع ہے وہ خود ایک خوبصورت ہے, وہاں پہ آپ کو پکنک کے لیے گھومنے کے لیے بہت جگہیں ملیں گی. وہاں پہ پہاڑ سے پانی گزر رہا ہوتا ہے, کوہ سلیمان سے گزرتے ہوئے آپ جوب میں داخل ہوتے ہیں, تو بہت پیسفل جگہ ہے. اور وہاں پہ پھر پشتون ہماری کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں. پشتون بیلٹ سے آپ کو گزر کے جو پھر قلعہ سیف اللہ کے راستے آپ کوئٹہ آ سکتے ہیں. پھر کوئٹہ سے آپ مزید وہاں سے ڈائریکٹ آپ زیارت بھی جا سکتے ہیں. پھر کوئٹہ میں جب پہنچتے, کوئٹہ کے بعد آپ ویسٹرن بلوچستان جس میں آپ مسنگ کے راستے کلاس ہوتے ہو خوشدار, وہاں سے آپ یہ گوادر وغیرہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس طرف آپ اگر جائیں گے تو چاغی کا ضلع ہے, وہاں سے آپ تفتان بارڈر جو کہ ایران سے جا ملتا ہے وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں, جو خود میں خوبصورت ہے. اور چاغی کے اندر پھر ہمارے سندھا کے جہاں پہ وہ چاغی وہی ہے نا جہاں پہ ہمارے ایٹم بم کا تجربہ بھی ہوتا ہے. چاغی کی پہاڑی بڑی مشہور ہے. بالکل, چاغی پھر پاکستان کا سب سے بڑا ایک ضلع بھی کہلاتا ہے, بہت رقبے میں بہت بڑا ہے. اور وہاں پہ ایک تو اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پہ بم دھماکے ہوئے, جو تجربہ ہوا وہاں پہ ہمارے ایٹم بمس کا. اس کے علاوہ چاغی میں جو سندک آتا ہے جو سونے کے بہت وافر مقدار میں ذخائر موجود ہے, تو وہ اس لیے بھی مشہور ہے. پھر وہاں پہ ایران کا جو بارڈر ہے وہ ایک اور خوبصورتی کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے بہترین جگہ ہے. تو کیسے جو ہے یہ ساری معلومات ابھی تو آپ دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, بہت زبردست ابھی تک معلومات دی بھی ہے, اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا یہی کہ ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہے, ای میل ایڈریسز ہے, ویب سائٹ ہے, تو ان کے ذریعے آپ لوگ مزید معلومات لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو گائیڈنس ملے گی کہ بلوچستان میں اگر ہم آتے گھومنے کے حوالے سے آپ لوگ تو کہاں ٹھہر سکتے, کہاں جانا چاہیے اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہونا چاہیے. تو یہ سارا کچھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے, ان کا مینڈیٹ ہے. ناظرین ہمیں بتا رہے تھے کہ ٹورزم کے حوالے سے بلوچستان جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے, جانا چاہیے. اور اس حوالے سے پاکستان چونکہ میں پہلے بات کرتا تھا کہ بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بلوچستان بھی اس سے بہت ہی خوبصورت ہے. بلوچستان کو بھی دیکھیں, جائیں, وزٹ کریں. اور ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے, وہ ہر طرح کی آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا اور آپ کے لیے یہ سفر بھی خوبصورت بنا دے گا اور آسان بھی بنا دے گا. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کشمیری وڈ کارونگ کے اسٹال پر اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ان کی مصنوعات کیا ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عرفان. عرفان کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا جی, آپ سنائیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. اور کشمیری جتنا بھی کام ہے جو ہاتھ سے جتنا وڈ ورک کیا جاتا ہے, اسے آپ کا بڑا نام ہے اور بڑا مقام ہے, کیا کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کا رسپانس کیسے ہے؟ جی ماشاء اللہ لوگ لائک کرتے ہیں, کیونکہ ہاتھ کا کام آج کل ویسے ہی بڑا نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے ملک میں کیونکہ لوگوں کی قوت خرید کم ہے, لیکن لوگ پسند اس کو بہت کرتے ہیں, لیکن باہر کی دنیا میں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے, تو اسی لیے ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کوالٹی کی چیز بنا کے دیں اور کچھ ڈفرینس ہی ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ ان یہ جو کام کرتے ہیں لکڑی کے اوپر, آپ اسے تو معمولی کام نہیں تصور کر سکتے. جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے کے نوادرات نکلتے ہیں جن کے اوپر کام کیا جاتا ہے, وہ ہاتھ کے کام کو جو ہوتا ہے وہ ایک خزانہ قرار دیا جاتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو ماضی کی تہذیبوں میں جا کر ملتا ہے. جو ماضی کی تہذیبوں کو دیکھتے ہو, اگر آپ ان کا کام دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس طرح کے کاریگر, زبردست قسم کے کاریگر صرف ماضی میں نہیں تھے بلکہ آج بھی موجود ہیں. تو آپ کچھ اپنا کام دکھائیں گے عرفان؟ پلیز. تو ایک تو اپنا کام بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کتنا زبردست کام یہاں پہ کر رہے ہیں. تو کچھ میں نے آپ کے بڑے زبردست قسم کے نا باکس دیکھے تھے, وہ مطلب کہ وہ ایک تو دکھنے میں آپ کی کشیدہ کاری جو اس کے اوپر زبردست قسم کی تھی اچھے لگتے تھے, تو میں کہوں گا ایک تو وہ بھی دکھائیں, اس کا کچھ تعارف بھی کرائیں گے یہ ہے کیا چیز. ضرور. اس میں یہ دیکھیں, آج کل ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وڈ کارونگ ساری, یہ شیشم کی لکڑی پہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باکسز جولری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا موسٹ مزے کی جو چیز ہے, جو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ والا باکس, یہ ہینڈ میڈ بھی ہے اور شیشم کی وڈ پہ بنا ہوا ہے. اس میں ایک ہم نے سیکرٹ لاک لگایا ہوا ہے جو عام طریقے سے کوئی بھی مطلب عام نظر سے نظر نہیں آتا. یہ چاروں طرف سے پیک ہے, اس میں کوئی لاک نظر نہیں آ رہا, لیکن ہڈن لاک ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں. اور اس میں یہ دیکھیں, اس میں ہم نے سلائڈ لاک ہے, اس کو اوپن کریں گے تو یہ بڑا ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزے کی ذرا ڈفرینٹ سی چیز ہے اور لوگ بڑے پسند کرتے ہیں, خاص کر باہر کی دنیا میں سے بڑا پسند کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس مختلف قسم کی وال کلاکس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ وال کلاکس بھی آپ نے خود بنائی ہیں؟ یعنی ہینڈ میڈ؟ یہ سب ہینڈ میڈ ہیں اور یہ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کام.
इस वक्त अगर कोई आके देखना चाहता है तो हम लोग बिरसा में, मेरी शॉप है लोग बिरसा इस्लाम आबाद में, तो यहाँ पे आके वो बड़े इजीली यहाँ का म्यूज़ियम भी विज़िट करें और हमारी शॉप्स को भी विज़िट करें। ठीक है, तो नाज़रीन ये क्लॉक्स ज़रा दिखाइएगा क्लॉक्स नाज़रीन को कि ये कितने ज़बरदस्त हैंडमेड जो हैं क्लॉक्स बने हुए हैं। इस तरह के क्लॉक्स मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले देखे होंगे और देखे भी हो तो बड़े कम देखे होंगे और शायद मशीनों के बने देखे हों, लेकिन ये हैंडमेड हैं और बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही खूबसूरत हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त काम ये कहाँ से सीखा, कब से शुरू किया इरफान जी? ये असल में हमारा ख़ानदानी काम है और ये मेरा काम मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, शौक भी था, फिर ज़रूरत बन गई, तो अब चल रहा है माशाल्लाह। काम भी मेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, पूरी दुनिया में जाता है और लोग भी पसंद करते हैं इसको, और एक शौक भी है मेरा, तो इसलिए सिलसिला चल रहा है और रोज़गार। नाज़रीन बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त वर्क है। तो ये अगर आपसे लोक विरसा के अलावा, ये तो आपको पता है नमाई जो है 7 दिन की होती है और 7 दिन जारी रहती है, इसके अलावा अगर कोई राबता करना चाहे, आपके इस विज़िट करना चाहे और आपकी ये सारी चीज़ें देखना चाहे, आपसे लेना चाहे, तो कैसे मुमकिन होगा? हाँ जी, ऐसा है कि हम सारा साल यही लोक विरसा में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारी मार्केट है आर्टिज़न बाज़ार, और मंडे को हमारी छुट्टी होती है। वैसे हम सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पे लोग विरसा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्हाट्सएप पे हमसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, तस्वीरें वगैरह मंगवा के कुछ चीज़ें देखना चाहता है, तो वो भी है। उस सिलसिले में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 03 06 55 11 428। इरफान भट्ट मेरा नाम है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें भिजवा सकता हूँ। अगर कोई लाइव व्हाट्सएप पे आगे चीज़ें देखना चाहता है तो वो भी उनको दिखाई जा सकती हैं। तो नाज़रीन लाजमी विज़िट करें, लाजमी देखें। ये इस मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि ये चीज़ें वो हैं जो आपको नवादरात में मिलती हैं, इतनी ज़बरदस्त कशीदाकारी, जैसे आप अगर इनको देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इंसानी हाथ इतनी ज़बरदस्त कारीगरी भी दिखा सकते हैं। मौजूद थे लोक विरसा इस्लामाबाद में, ये 7 दिन का जो है एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तरतीब देती है, और लोक विरसा म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे आप आएंगे तो स्टॉल्स लगे हुए हैं। 1 से लेकर 7 नवंबर तक ये जारी है। अब यहाँ पर आगे जितने हमने स्टॉल्स दिखाए, जितनी चीज़ें दिखाई, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। जिन लोगों को हमने दिखाया आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो इतना ज़बरदस्त काम कैसे कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की पहचान हैं, पाकिस्तान का चेहरा हैं, पाकिस्तान का फेस हैं। आप आएँ, लाजमी मिलें, आपको पता लगे कि पाकिस्तान में कैसे कैसे कारीगर, कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप लाजमी आएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान ZA मलिक को इजाज़त दें और देसी TV USA को लाजमी देखें। आप इसी किस्म के मालूमाती प्रोग्राम हम हमेशा पहले भी आपसे लिए पेश करते रहे, अब भी पेश करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।